जी हाँ, आप लोग खुद का बुक लिख सकते हो पहले तो, और उनको अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट पर डालकर आप लोग बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे पैसा कमा सकते हो। तो देखो, ऑब्वियसली बुक लिखना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो किसी भी फील्ड में, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च विसर्च करने के बाद आप उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक के ऊपर आप बुक लिखना चाहते हो उस पर लिख सकते हो। और एक अच्छा बुक अगर सेल होने लग गया है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको अच्छा खासा कमीशन यानी कि रॉयल्टी यानी कि अर्निंग, सीधा सीधी भाषा में आप इतना जानो तो अर्निंग मिलते रहेगा, और वो भी पैसिव अर्निंग मिलेगा, क्योंकि ये बुक आपको एक बार मेहनत से बनाना पड़ता है और अमेज़ॉन पे वो धड़ल्ले से बिकते जाता है, बिकते जाता है। जैसा आपका बुक परफॉर्म करता है, जैसे लोगों को पसंद आता है, उतना ही ज़्यादा अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट में वो बुक बिकता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको अमेज़ॉन वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर सर्च बार में आप लोग अगर मेरा नाम सर्च करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर कुछ बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ किंडल में अवेलेबल है एंड कुछ बुक्स आपको यहाँ पे पेपरबैक में देखने को मिलेगा। तो ये जो 125 रुपीज़ और 789 रुपीज़ है, ये बुक पेपरबैक में है, यानी कि ये बुक प्रिंटेड बुक है, और ये 0 रुपीज़ वाला बुक जो है ये किंडल में अवेलेबल है। तो ये बुक एक्चुअली 0 रुपीज़ में नहीं होता, ये किंडल एडिशन वालों को 0 में मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक्स होते हैं, अब आप सोचोगे कि यार बुक्स तो मैं लिख लूँगा चलो कैसे भी करके, लेकिन इनको प्रिंट कहाँ से करवाऊँगा, पब्लिशर कहाँ से लाऊँगा कि मेरा बुक कोई प्रिंट करके बेचे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सब करना आसान है, आपको किसी भी तरह का किसी भी पब्लिशर को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप बिल्कुल घर बैठे अपने बुक्स को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हो ऐसे करके, एंड अमेज़ॉन पर लिस्ट करने के बाद आपको पब्लिशर का ज़रूरत नहीं है। सिंपली अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट ही खुद आपके बुक्स को पब्लिश करेंगे एंड लोगों तक भेजेंगे। जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करेगा, फॉर एग्जांपल मेरा, तो वो अमेज़ॉन खुद पब्लिश करके यानी कि प्रिंट करके बुक का फॉर्मेट में बनाकर वो लोगों तक भेजेगा। और आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कितना ये अच्छा एक्चुअली होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चीज़ का। मैं प्रैक्टिकली 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे आपको आपका खुद का बुक पब्लिश करना, लिखना, पब्लिश करना ये सब आएगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, मैं एक बुक लिख रहा हूँ गूगल डॉक्स पे, तो आप कहीं पर भी लिखो अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर। देखो यहाँ पर और एक बुक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इस बुक को भी बहुत जल्दी मैं पब्लिश करने वाला हूँ लिखने के बाद। तो कैसे करके लिखना होता है, क्या फॉर्मेट, कैसे करके आप कैसे लिख सकते हो, कहाँ पे लिख सकते हो, ये सब मैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपको, जैसे कि मैंने दिखाया कि अमेज़ॉन पर मेरा बुक अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाऊं कि आप सोचोगे कि अमेज़ॉन पे चलो बुक तो डाल दिया, लेकिन क्या ये बुक्स परचेज भी होते हैं, लोग परचेज करते हैं? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिपोर्ट्स। तो ये एक्चुअली एक किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग नाम का एक अमेज़ॉन का ऑथर लोगों के लिए ये डैशबोर्ड होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखोगे कि टुडे, आज 16 फरवरी है 2023, और टुडे ऑर्डर्स आपको 17 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 17 बुक्स आज बिक चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्स के सेक्शन पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरा 616 बुक्स अभी तक सेल हो चुके हैं, और वो भी आप देखो, 10 फरवरी से मैंने शुरुआत किया है, आज 16 फरवरी है, 6 दिनों के अंदर अंदर 616 बुक मेरा ऑर्डर कर लिया गया है, ठीक है जी। एंड मोस्टली जो ऑर्डर है वो यूनाइटेड स्टेट से आया है, तो डेफिनेटली जो भी रॉयल्टी मुझे मिलने वाला है अमेज़ॉन किंडल की तरफ से, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है मेरे लिए। 591 बुक्स मेरा सोल्ड हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अमेज़ॉन का एक रॉयल्टी होता है जो अमेज़ॉन अपने ऑथर लोगों को बांटते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जनवरी 2023 का आप देख सकते हो, $47.9 मिलियन इन लोगों ने एक ग्लोबल फंड तैयार किया है अपने ऑथर्स लोगों के लिए। तो इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। और फरवरी का, क्योंकि मेरा जो बुक है ये फरवरी में सेल हुआ है, तो जब नेक्स्ट मंथ, यानी कि इस वीडियो को मैं अभी फरवरी में बना रहा हूँ, तो जब मार्च आ जाएगा तब हमें ये वाला देखने को मिलेगा कि फरवरी के लिए कितना आया है, और उसमें से हमें भी कुछ मिलेगा जितना हमारा सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा अर्निंग आने वाला है एंड पैसिव अर्निंग आने वाला है, बिकॉज मैंने एक बार ये दो बुक पब्लिश कर दिया है तो अमेज़ॉन पे ये अब हमेशा के लिए
लिस्टेड हो गया है, ठीक है। अब मुझे किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, अब ये बुक धीरे धीरे अमेज़ॉन अपने विजिटर्स को दिखाते जाएगा। अगर कोई मान के चलिए सर्च करेगा कि इंडियन रेसिपी बुक, तो हो सकता है कि उसे उसके सर्च रिजल्ट पे ये बुक देखने को मिले और वो परचेस करे, ठीक है। तो चाहे किंडल परचेस करे या पेपरबैक परचेस करे, फ़ायदा आप दोनों को मिलेगा, दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा। ओके, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे देखने को मिलेगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्दी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को खुद का बुक पब्लिश करना, खुद का बुक लिखना, पब्लिश करवाना, अमेज़ॉन पे डालना, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।